मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर 8वें माह भी जारी है। वादी में बदतरीन कर्फ्यू और लॉकडाउन को 215 रोज हो गए। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, जबकि भारतीय मुजालिम पर अक्वामे मुतहदा की खामोशी सवालिया निशान बन गई। भारत के गासेवाना कब्जे और रियासती दहशतगर्दी ने जन्नत नजीर वादी के वासियों की जिंदगी जहन्नुम बना डाली। वादी में बदतरीन कर्फ्यू और लॉकडाउन को 215 रोज हो गए। वादी में प्रीपेड मोबाइल, एसएमएस और इंटरनेट सर्विसेज ताहाल मौतल हैं, जिसके बायस घरों में कैद कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता मुनकता होकर रह गया। कारोबारी इदारे बंद, स्कूल और सरकारी दफातर तलबा और अमले से खाली हैं। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत के बायस कश्मीरी एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान देने पर मजबूर हो चुके हैं। दूसरी जानब कश्मीरियों की नस्लकुशी की गर्ज से वादी में खून की होली खेली जा रही है। सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाने का सिलसिला भी जारी है। अब तक हुर्रियत रहनुमाओं समेत सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बढ़ते हुए जुल्म सितम से वादी कश्मीरियों की आहों और सिसकियों से गूंज रही है। पांच अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले भारतीय आयन के आर्टिकल 378 को खत्म करके मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज किया था, जिसके बाद कश्मीरियों पर होने वाले इंसानियत सोज मजालिम पर आलमी सतह पर सख्त तनकीद के बावजूद मोदी सरकार के कान पर जूं तक ना रेंगी। तो उधर भारतीय मजालिम पर अक्वामे मुत्तहिदा की खामोशी सवालिया निशान बन चुकी है।